ये सरकार नमस्कार माहौल जब शानदार आइए सर कर हर मैदान फतेह वैल्यूएशन ऑफ गुड्स सर आइए सेक्शन नंबर फोर्टीन हम पढ़ लेते सर वैल्यू ऑफ गुड्स दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडर कस्टम्स भले ही सी हो सी एम हो या सी हो हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन फिक्स है बच्चों आइए सर किस अमाउंट पे कस्टम लगेगा सेक्शन फोर्टीन सब सेक्शन वन बोलता है क्या

क्लियर प्लस यहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में बोल दिया कि जो आपकी करेंसी है सर फॉरेन एक्सचेंज जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुआ है सर उसको फॉरेन एक्सचेंज को आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा आई में कन्वर्ट करने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज सी बी आईसी वाला लेंगे किस दिनेंगे एडवांस फाइल किया लेट फाइल किया भले वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंज्यूमशन था या बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग था उससे फर्क नहीं पड़ता जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल किया दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाई सी क्लियर आइए बच्चों सेक्शन में 14, सब सेक्शन टू बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कुछ गुड्स टेरिफ एलिफिक कर सकता है और अगर किसी गुड्स का टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया तो इेस्पेक्टिव एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू टैरिफ वैल्यू पे कस्टम पे करना होगा एंड सर टैरिफ वैल्यू रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी रूट टैरिफ वैल्यू कब का होता है बेटा सर जिस दिन बिलो ट्वेंटी फॉर होम कंजम्शन या ग्रांट ऑफ एंट्री एवर इज लेटर होता है उस दिन का रिलेवेंट डेट होता है टैरिफ वैल्यू का बेटा ठीक देन है मैंने मैंने मेन बुक में दे रखा है आपके लास्ट क्वेश्चन में सर ध्यान से करना बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन है मैंने लेक्चर में सॉल्व भी करवाया आपको बच्चों आइए सर इंपोर्ट वैल्यूशन रूल्स रूल नंबर थ्री सर ये बोलता है क्या आपने जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू डिक्लेयर किया है उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर असेसल वैल्यू इसमें दो कंडीशन बेटा क्या सर व्हेन पार्टीज आर नॉट रिलेटेड एंड पार्टीज आर रिलेटेड और हाँ एक बात ध्यान रखना

एज प्रोवाइडेड इन इंडियन लो या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए सर जिसकी वजह से प्राइस अफेक्ट होता है विच इज नॉट अ जेनुअन कंडीशन या फिर सर सेलर शुड नॉट बी एंटरल टू एनी पार्ट ऑफ सब सेल प्रोसीड्स तो ऐसे केस में और एक्चुअल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर लेंगे पर अगर ये ऐसा कंडीशन सेटिसफाई नहीं होती है तो सर फॉलोइंग रूल्स शेल बी फॉलोड इन अवेंस मतलब अदर रूल्स शेल बी फॉलोड इन अ सिक्वेंस प्लस एक बताया अगर पार्टी रिलेटेड भी है पर अगर हमने प्रूव कर दिया कि सर रिश्ता रिश्ते की जगह धंधा धंधे की जगह रिलेशन की वजह से प्राइस इफेक्ट नहीं

सर कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग इंपोर्टेड इन इंडिया जैसे रॉयल्टी in या लाइसेंस फी पे करी एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोल्ड इन इंडिया सर या फिर आपने सर एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन था आपने कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए एज कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोल्ड इन इंडिया तो वो भी पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी पर वैल्यू का पार्ट बनेगा अगर एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोल्ड इन इंडिया ऐसा वर्ड लिखा है तो एड करना अदरवाइज इंक्लूड नहीं करने का क्लियर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बेटा रोल नंबर टू सुल सब में सबसे नंबर टू में सबसे पहली सब बात सर जीएसटी में हमने जो रिलेटेड पर्सन पढ़ा था वो यही से कॉपी करके पेश किया था बस यहाँ पे सर दो पॉइंट डिफरेंट है हम वो पॉइंट पढ़ रहे बेटा एक तो पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट हम ये पढ़ेंगे वाला सर सेम पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स होल्ड्स और कंट्रोल एटलीट फाइव परसेंट ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन बोथ सर वहां पता ट्वेंटी फाइव परसेंट जीएसटी में यहाँ फाइव परसेंट फिर जीएसटी में हमने पढ़ा था क्या अगर सोल डिस्ट्रीब्यूटर है सोल एजेंट है या सोल है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड

यहीं से कॉपी करके वहां पेस्ट करी थी बेटा बस ये दो डिफरेंस थे जो मैंने आपको बता दी और पर्सन हम वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जीएसटी में आइए बच्चों सर आइडेंटिकल गुड्स अब रूल नंबर फोर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहली बात रूल नंबर फोर की बात कब आएगी जब एक्चुअल ट्रांजेक्शन रूल नंबर थ्री के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है तो फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस रूल नंबर थ्री से नहीं है तो फोर फोर से फाइव फाइव सेवन सेवन सेट से नहीं है तो नाइन से तो हो ही जाएगा बीच में सिक्स अभी आएगा रुकी तो थ्री से नहीं है तो फोर तो 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 फोर तो तो बोलता है वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स सबसे पहली बात बता दी क्या आइडेंटिकल गुड्स होता क्या है आइडेंटिकल गुड्स मीन गुड्स विच आर एब्सल्यूटी अलाइक उस गुड्स का ड्रॉइंग डिजाइन आर्ट वग या डिजाइन वगैरह इंडिया से सप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए क्योंकि वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता उससे वैल्यू कम आती है ठीक है डन य हो गया क्या आइडेंटिकल गुड्स अब बच्चो <coughs> अगर आपने सर कोई गुड्स इंपोर्ट किया उसका अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है जैसे तो कि इसमें सर अगर आइडेंटिकल गुड्स किसी और ने इंपोर्ट किया तो उसकी वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे पर उसका खुद का ही अगर प्रोविजनल असेसमेंट हो रखा है तो सर उस गुड्स को कंसिडर नहीं करने का उस ट्रांजेक्शन को

जो आपने इंपोर्ट करिए सेम कमर्शियल लेवल एंड सब्सेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजेक्शन अगर होंगे तो वही ट्रांजेक्शन लेंगे उसको बोलते हैं अब में भी मोर देन वन अगर है तो लोएस्ट वैल्यू विल बी टेकन बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं बेटा या फिर नियरेस्ट क्वांटिटी में जो वैल्यू चार्ज करी वो लेते हैं ऐसा नहीं सर सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशली सेम क्वांटिटी के जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन है उसमें जो लोएस्ट वैल्यू होगी दैट बी टेकन फॉर द दर्पज ऑफ असेसमेंट और हां अगर मान लो कोई सेम कमर्शियल

रुको रुको भाई अभी बाकी पूरा ऐसे केस में उसका गुड्स हम ले लेंगे अब सबसे सब क्या गुड्स क्या होता है? सर, गुड्स का मतलब होता है 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 बच्चों का मतलब ये देखिए बेटा दिख रहा आपको नॉट एब्सोल्युटली लाइक बट आर द सेम फंक्शन देना सर वैसे सलमान खान को रिप्लेस नहीं कर सकता पर यस सर ध्यान देना बच्चों सिमिलर गुड्स क्या होता है सर सिमिलर गुड्स द गुड्स विच आर नॉट बट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल तू नहीं तो तू भी चाल से सर वो वाली बात है बट सर सर वैली मैन्युफैक्चर सेम हो या अदर हो चलेगा बट कंट्री ऑफ ऑरिजिन मस्ट बी द सेम और उसके लिए ड्रॉइंग डिजाइन आर्ट वर्ग डेवलपमेंट वर्क इंडिया सप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए उसको बोलते हैं क्या सर सिमिलर गुड्स और हाँ देना बच्चों उसके भी अगर ड्रॉइंग डिजाइन आर्ट वगैरह इंडिया सप्लाई हुआ तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे उसको सिमिलर गुड्स नहीं बोलते बच्चों सेम वे सर जैसे हमने ऊपर पढ़ा रूल कॉपी पेस्ट है बेटा जो रूल नंबर फोर है वही रूल नंबर फाइव है एब्सोटली सेम बस वहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स है या पे क्या है सिमिलर गुड्स है रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल ऑलवेज भी अलाउड फॉर टाइमिंग डिफरेंस फॉर क्वानिटी डिफरेंस फॉर लेवल डिफरेंस बेटा ठीक है अगर ऐसा है तो और वो रीजनबल एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन आपको देगा ठीक है रूल नंबर और और एब्सोल्युटली सेम अब सर रूल रूल नंबर नंबर से आंसर आंसर तो सेवन क्या बोलता है मेथड वो क्या बोलता है बेटा जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया वो गुड्स या उसका आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स उससे वैल्यू नहीं आ रहा है बट दो गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट इन द सेम कंडीशन जिस कंडीशन में उसको इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में जिस वैल्यू जिस पे आपने गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है Clear, उस प्राइस को जिस प्राइस पे जनरली वो गुड्स इंडिया में बिकता है वो आप लीजिए और उसे रिवर्स करते करते कस्टम की पे आ जाइए सबसे पहले रिवर्स क्या होगा सर, में जब आपने बेचा होगा तब जीएसटी लगा होगा सबसे पहले लेस करेंगे क्या जीएसटी सर उसके बाद सर, आपका प्रॉफिट मार्जिन उसके बाद आपका कॉस्ट क्लियर जो कॉस्ट एडमिन कॉस्ट वगैरह आपका होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि जो गुड्स इंपोर्ट किया डोमेस्टिक मार्केट में रीसेल होना चाहिए बच्चों ठीक है सर सारी कोस्ट अपने आ, लेस करी और कस्टम पोर्ट तक की कोस्ट पे आ गए उसके बाद आप लेस का नाम भूल जाना क्या आईजीएसटी सर मतलब थ्री सेवन थ्री नाइन और कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सर चार्ज इसको रिवर्स कैलकुलेशन में इसका क्वेश्चन जरूर देखना जाना नहीं तो मैथ्स के अकॉर्डिंग आपका गलती होने का चांस रहेगा क्लियर सर ध्यान देना सर यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे कस्टम पोर्ट की वैल्यू पे पहुंच जाएंगे उसमें कस्टम ड्यूटी का अमाउंट भी लेस कर देना बेटा ठीक है तो कस्टम की वैल्यू आ गई उस वैल्यू पे हम कस्टम चार्ज कर देंगे दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स इसको बोलते हैं डिडक्शन मेथड पर हाँ जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया सर वो अगर सेम कंडीशन में डीसेल नहीं होता थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद बिकता है तो सर उसका जो फर्दर प्रोसेसिंग चार्जेस कुछ अगर लगे होंगे तो एवरेज कॉस्ट जो आती है प्रोसेसिंग कॉस्ट उसको भी लेस करना इस कॉस्टिंग को कॉस्ट को लेस करते हुए तब जाके आप कस्टम पोर्ट की कॉस्ट पे पहुंच पाएंगे बेटा हाँ जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया सर उस, उसी गुड्स को आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हो पर सर 90 डेज के अंदर जब आपने इंपोर्ट किया उसके 90 डेज के आंसर ले ले नहीं, तो नहीं आएगा 90 डेज मैक्सिमम अलाउड है तो उसकी वैल्यू आप ले सकते हो क्लियर फॉर दी पर्पज ऑफ दिस रूल और हाँ सर यह था रूल नंबर सेवन रूल नंबर सेवन से कंप्यूटर मेथड सर उस एक्सपोर्टर को बोलो कि अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजगा अलग उदर सपोर्टिंग प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन प्लस रोल नंबर टेन के सारे एडिशन एड add करेंगे तो हम हमारे कस्टम पोर्ट की वैल्यू तक तक पहुंच जाएंगे और सर ये होता है क्या क्या कैलकुलेशन आप बोलेंगे ऐसा कॉस्ट ब्रेकअप कौन भेजेगा आपका रिलेटेड पर्सन है आपकी ग्रुप कंपनी वो जरूर भेज देगी इनफैक्ट वो तो चाहेंगे कि सर रूल नंबर सेवन पहले मतलब एट लगा दो पर सर आपने पढ़ाया क्या सर फॉलोइंग रूल्स शेल बी फॉलोड इन अ सिक्वेंस तो पहले सेवन होगा फिर एट फॉलो होगा पर रूल नंबर सिक्स बीच में छोड़ा था वो यही कहता है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल नंबर और का sequence, सर चेंज कर सकता है मतलब ऐसे कैसे पहले रूल नंबर लग जाएगा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी अगर प्रॉपर ऑफिसर अलाउ कर देता है तो क्लियर इसी के साथ भारत माता की मत आइए रूल नंबर नाइन बोलता है क्या रेसिडुअल मेथड सर और कुछ नहीं है तो मैं तो हुई ना ठीक तो सर रूल नंबर नाइन बोलता है क्या रेसिडुअल मेथड अगर आपका गुड्स का वैल्यू रूल से नहीं आ रहा तो नंबर बोलता है मेथड और ऐसे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकलेगा बेस्ट जजमेंट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इन दी कंट्री ओरिजिन मतलब प्राइस वो नहीं ले सकता है बेटा ठीक है अवेलेबल मार्केट कंडीशन के हिसाब से सिचुएशंस के हिसाब से क्या वैल्यू आने चाहिए उस अकॉर्डिंग वो वैल्यूएशन करेगा अदरवाइज ही कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू सो पे बोल दिया कोई फिक्स मेथड आप फॉलो नहीं करोगे ये फॉलो क्या नहीं करना है सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन सेलिंग प्राइजेस ऑफ दो गुड्स इन इंडिया सेलिंग प्राइजेस ऑफ दो गुड्स टू एनी अदर कंट्री बाय दैट सेलर एनी सिस्टम विच प्रोवाइड्स फॉर अडॉप्टिंग द हाइएस्ट वैल्यू नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दी गुड्स मिनिमम कस्टम वैल्यू आर्बिट्री और फिट्र वैल्यू एंड प्राइस ऑफ दी गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू अर कंट्री इनमें से कुछ भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता मतलब अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पर प्रिवलिंग सिचुएशन और मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपना बेस्ट एजन यूज करना है कोई स्टैंडर्ड मेथ फॉलो नहीं करना है ये तो आपका रोल नंबर नाइन आर आर रोल नंबर टेन बड़ा ही सुंदर पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर जिसके लिए

सबसे पहला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इसका मतलब यह है कि सर कोई गुड्स कस्टम पोर्ट पे आ गई वहां से उसका इंडियन पोर्ट पे आ गई अब अनलोड कर रहे हो सर हैंडलिंग चार्जेस अनलोडिंग कॉस्ट उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक का कॉस्ट ही इंपोर्ट करना है अब सर तो वही ऐड करना है अब सर इसमें क्या क्या आता है सबसे पहली बात यहां पे कॉस्ट अगर आपको सर दे रखी है तो क्या करने का नहीं दे रखी है तो क्या करने का सबसे पहली बात सर आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी यूज किया कोई कंसर्न नहीं अगर आपको सर दिस कॉस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इफ इट इज नॉट अजनेबल तो ऐसे केस में ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ द कॉस्ट ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह बेटा पर अगर एक्चुअल कॉस्ट दे रखी तो डिपेंड्स कि बाय एयर आया या बाय वोटर लैंड आया बाय एयर आया है तो सर एयर कॉस्ट ज्यादा होती है पहली बार फायदा दिया है तो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और 20 परसेंट ऑफ दी एफ एवर इज लोअर क्योंकि फायदा दिया है बेटा उतना ही ऐड करेंगे पर बाय वोटर या लैंड आया है तो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एड कर दिया जाएगा टू अराइव एट असेसिबल वैल्यू टू अराइव एट दी आई एफ वैल्यू बेटा ठीक है डन अब सरकार ध्यान देना बेटा अगर मान लो जैसे मैंने बताया ट्वेंटी अब अगर एफओबी नहीं दे रखा पर एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा तो ऐसे केस में एफओबी प्लस इंश्योरेंस का ही ट्वेंटी परसेंट आप ले सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वो लेना पड़ेगा अब अगर गुड्स बाय शिप आ रहा है बाय वेसल आ रहा है और सर ट्रांसपोर्टर ने आपसे अपार्ट फ्रॉम दी ट्रांसपोर्ट चार्ज शिप डेमरेज चार्ज सर चार्ज बार चार्ज बार्ज अलग से चार्ज किए तो ये सब क्या है सर ये दीज आर दिजादी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा बेटा ओके अब सर देना सब अगर आपने मान लो कोई गुड्स को लाए मुंबई पोर्ट पर लेके आ गए मुंबई पोर्ट पे लाके फिर आपने गुड्स को सर किसी और पोर्ट पर भेजा है बेटा ट्रांसशिपमेंट किया है या इंडलैंड कंट्री डिपो लेके गए कस्टम रजिस्ट्रेशन लेके गए तो उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था या उसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट था उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का क्लियर ध्यान बेटा जब इंडियन पोर्ट पे आ गया फर्स्ट बार वही तक का कोस्ट लेते हैं करके किसी और पोर्ट पे लगे किसी और एयरपोर्ट पे लगे तो उसकी कोस्ट को इंक्लूड नहीं करने का यहाँ से इंडियन कंटेनर डिपो कंटेनर फ्रेड स्टेशन ले गए तो उसकी भी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करने का दोस्ट एक्सक्लूडेड भले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो या कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हो बेटा क्लियर डन अब सर ध्यान बेटा इंडियन पोर्ट पे ले आया है उसके बाद का ट्रांसपोर्ट कोई भी कभी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा आईए सर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर नहीं दे रखा तो वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट ऑफ एफ और अगर दे रखा तो एक्चुअल लो भली भाई वैसा आया भाई एयर आया बाय व्हाइकल आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको एफ ओ भी नहीं दे रखा पर एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह दे रखा है तो एफओब प्लस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो रखा है उसी का वन पॉइंट वन फाइव परसेंट ले लेंगे क्लियर डन समझे मेरी बात भारत माता की जय सरकार बाकी बातें आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ जैसे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट लगे उसका जो इंश्योरेंस कोस्ट था उसको भी वैल्यू में इक्लूड नहीं करेंगे कुल मिला की इंडियन पोर्ट पर आ एक बार बात खत्म बचो क्लियर फिर ये बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ की इंडियन पोर्ट पर अनलोडिंग कोस्ट हैंडलिंग चार्जेस विल नेवर भी इंक्लूडेड इन द वैल्यूफ़ द गुड्स को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि अभी सर दो में अमेंडमेंट करके ने दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन दिया पहले था एट दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन बेटा आइए सर अब बड़ा ही इंपोर्टेंट नोट जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं मैंने मल्टीपल केसेस दे रखे मैं आपको यहाँ एक बार में समझा देता हूँ यहाँ समरी बुक में भी दे रखे मेन बुक देखे मैंने इसके लिए आपको डिटेल में क्वेश्चन भी सोल्व करा रखे सर अब देना ये कंपल्सरी एडिशन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ ट्रेड आपने पढ़ तो लिया अब सर होता है क्या है कई बार क्वेश्चन में आता है क्या प्राइस ऑफ द गुड्स एट दी ऑफ दी एक्सपोर्टर और फिर एक्सपोर्टर मान लो सिंगापुर में अब सिंगापुर की जो सप्लायर था एक्सपोर्टर था उसकी फैक्ट्री से लेकर सिंगापुर पोर्ट तक कॉस्ट अलग से दे रखा है फिर सिंगापुर पोर्ट से इनपोर्ट तक कॉस्ट अलग दे रखा है तो क्या करने का सबसे पहली बात तो ये कि सर प्राइस ऑफ द गुड्स एट फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर जो दे रखा है सर उसमें जब कॉस्ट ऑफ फ्रेट लोडिंग एक्सपेंस सॉरी, लोडिंग ये ऐड करेंगे सिंगापुर पोर्ट तक का उस प्राइस को बोलते हैं आप आप आपको निकालना है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन में उसकी फैक्ट्री से लेकर इंडियन पोर्ट तक का कोस्ट आता है और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा कॉस्ट आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा है अगर नहीं दे रखा पूरा कॉस्ट फैक्ट्री से लेकर इंडियन पोर्ट तक कास्ट पूरा अगर नहीं दे रखा तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ आपको एड करना पड़ेगा अब ट्वेंटी ऑफ एफ के लिए एफ तो होगा क्या प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस सिंगापुर पोर्ट तक का कॉस्ट जो ट्रांसपोर्ट और लोडिंग एक्सपेंस था उसको इनर कॉलम में आपने कैलकुलेट किया सर 20 परसेंट ऑफ एफ आ गया सर उसको प्राइस में एड करने का अब मान लो प्राइस ऑफ द गुड्स दे रखा कितना एटी फाइव थाउजेंडा ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट दे रखा कितना

20% विल बी द ट्रांसपोर्ट और 1.125% विल बी इंश्योरेंस। अब सर ध्यान देना, वन लेक का 20% होता है कितना? 20,000। और सर इंश्योरेंस होता है 1.125। क्लियर? अब सर ये जो कॉस्ट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है, इसको जब ऐड करेंगे तब डाइट 85,000 में ऐड करेंगे, मतलब 85,000 प्लस 20,000 प्लस 1.12

है 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 लगने वाला है। Clear, done. Very important point, very good point बेटा बेटा अगर अगर आपने 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 यही मैंने पे दे रखा मान लो सर ये देखिए से ठीक सिंगापुर फैक्ट्री तक का दे रखा है फिर सिंगापुर पोर्ट तक का कोर्स दे रखा है बेटा फिर आपको एक्चुअल इंडियन पोर्ट तक का तो क्या करेंगे ये तो हो गया आपका एफओबी कितना बी इतना वन ठीक है सिंस आपको इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं दे रखा है इसलिए इसका वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट वन वन टू फाइव आ जाएगा बेटा फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आपकी कितनी आएगी सर ध्यान देना बच्चों आप चाहे तो एक स्टैंडर्ड तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इन क्वेश्चन को सर मैं तुम्हें स्टैंडर्ड तरीका समझा देता हूं आपको क्या करना सिंपली एटी फाइव थाउजेंड लिखना है प्राइस इसमें एड करना है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्लियर अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका कितना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इस केस में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कर दिया आपने यह है अनलोडिंग एक्सपेंस एट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, इसको इंक्लूड नहीं करने का पर सर वन पॉइंट परसेंट ऑफ एफ ओ बी आपने इनर कैलकुलेशन करने का इनर कॉलम में वो है वन लाख रुपए जो हमने देखा यहां पे, वन लाख का वन वन टू फाइव आ गया और सर जो अमाउंट आएगा दैट योर असबल वैल्यू सर वन 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 क्लियर वन टू फाइव दिस विल बी योर सी आई वैल्यू दिस विल बी योर एस वैल्यू यही अगर आपने सर इंपोर्ट किया होता बाय एयरपोर्ट बाय एयर अगर इंपोर्ट किया होता और सेम फिगर्स अगर दे रखे होते तो सर अगेन सर एटी फाइव थाउजेंड इज द प्राइस ऑफ द गुड्स अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट निकालो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्चुअल दे रखा कितना पच्चीस हजार रुपए बेटा दिस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपने एक्चुअली इंकर किया है बेटा अब इसको कंपेयर करेंगे ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफओबी से क्योंकि बाय एयर आया है अब ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफओबी एफओबी निकालने के लिए अगर अगेन इनर कैलकुलेशन करने का इनर कॉलम में अगर आपने कैलकुलेशन किया है तो ऐसे केस में आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आएगा कितना वन लाख रुपये अब वन लाख जो आया है वन लेख का ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट होता है कितना ट्वेंटी थाउजेंड अब ट्वेंटी थाउजेंड और एक्चुअल थाउजेंड ही एड करेंगे इन दी Of the goods of Plus, सर, तो भी नहीं करते और अगर आपको इंसुरंस नहीं रखा तो वन पॉइंट आया बेटा उसका 1, 1, 2, 5, 1. 1, 2, भारत मत आई हो गया, गया बेटा आपका आइए रूल नंबर टेन सर ऑप्शन बोलता है क्या सर ऑप्शन क्या है? कि अगर ये एक्सपेंस इंकर किए तो ऐड करना है इंकर नहीं किए तो ऐड नहीं करना है अब ऑप्शनल एक्सपेंसेस बोलते हैं क्या सबसे सब बात कमीशन और ब्रोकरेज अगर क्वेश्चन ने दिया है तो ऐड करना वरना मत करना बेटा ऊपर कंपलसरी एडिशन जो हमने पढ़ा तो हमेशा ऐड होगा हो ही होगा क्योंकि उसको इंकर किए बिना गुड्स कभी इंपोर्ट नहीं हो सकता कमीशन और ब्रोकरेज हमेशा ऐड करना है भले फॉरन एजेंट को पे किया इंडियन एजेंट को पे किया इंडियन करेंसी में पे किया फॉरिन करेंसी में पे किया वी डोंट केयर हमेशा ऐड कर देना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन अगर ये वर्ड लिख दिया बाइंग कमीशन तो ऐड मत करना अदरवाइज हमेशा ऐड कर देना और सर ध्यान देन देना क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि सर

अगर कंटेन रिटर्नेबल नहीं है तो ऐसे केस में एड कर देना कॉस्ट के अंदर पैकिंग चार्जेस प्राइमरी पैकिंग हो सेकेंडरी हो स्पेशल हो वेरी वेरी स्पेशल हो ड्यूरेबल हो नॉन ड्यूरेबल वी डोंट केयर एड करने का है फिर मटेरियल्स और टूल्स और मॉल्स और डाइस फ्रॉम इंडिया अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल सप्लाई किए थे आउट ऑफ इंडिया टू मैन्युफैक्चर द गुड्स तो उसका जो फेयर कॉस्ट था वो करने का अगर आपने कंसेशन रेट पर सप्लाई किया था तो जो कंसेशन दिया वो एड करने का टू अराइव अरा फेयर वैल्यू फिर आता है क्या अगर कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क डिजाइन वर्क एंड प्लान्स एंड स्केचेस अगर आपने इंडिया में इंकर किए थे तो ऐड नहीं करने का यही आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू निकाली हो या सिंगलर गुड्स की वैल्यू निकाली हमने पढ़ा था क्या अगर किसी गुड्स का आर्ट वर्क डेवलपमेंट वर्क इंडिया से कराया तो उसको आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स बोलेंगे नहीं बेटा क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है बेटा फिर रॉयल्टी फॉर इंपोर्टेड गुड्स अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया जैसे मेडिसिन इंपोर्ट करिए अपने और उस दवाई के साथ में है इसके अलावा आपने कोई रॉयल्टी या लाइसेंस फी पे करी एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोल्ड इन इंडिया तो सर वो रॉयल्टी या लाइसेंस फी भी वैल्यू में ऐड हो जाएगी हाँ आपने राइट टू रिप्रोड्यूस परचेज कर लिया आप गुड्स का फॉर्मुला इंपोर्ट किया गुड्स इंपोर्ट नहीं किया तो तो ऐसे तो केस में कोई भी रॉयल्टी वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है वैल्यू में क्योंकि आपने कोई गुड्स एक्चुअल इंपोर्ट नहीं किया हा कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया उसके लिए यूज करने से पहले कोई प्रोसेस थी वो प्रोसेस का उसने पेटेंट करा रखा उस पेटेंट के लिए सर उसने आपसे रॉयल्टी चार्ज करी है तो भले वो प्रोसेस उसने बाहर करके भेजी है यहां इंपोर्ट करने के बाद आपने वो प्रोसेस करी है अगर आपने रॉयल्टी पे किया तो वैल्यू में एड करेंगे सर एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सर प्रोसेस अगर आपने एक्सपोर्ट को पे करी है वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा या फिर एनी कोई पेमेंट जो डायरेक्टली इंडायरेक्टली आपने एक्सपोर्टर को के किसी पे किया, वो का पार्ट बनेगा। और बेटा डारेकल, इंकर तो वैल्यू में एड करना है पर ये, सर, इसके बाद जो भी इं, इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी इंपोर्ट 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 कभी भी वैल्यू में इक्लूड नहीं होती है एक्सेप्ट इफ दो हजार जितने भीन पढ़े सारा एडजस्टमेंट जो करना, वो में करना है निकलेगा। उसके बाद ट्वेंटी और बेटा ठीक है पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के चार्जे वो भी एक्सक्लूड करना है वो भी सर एफ ओबी से पहले करने देखिए मान लो आप लोग प्राइस ऑफ द गुड्स कॉस्ट एफ ओ बो भी देखा है फिर सारे ऑप्शन है चार्जेस फॉर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी लेस करना है उसके बाद एडजस्टेड प्राइसिया रिवाइज्ड एफओबी आएगा उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट एड होगा उसके बाद आपका सीआईएफ आएगा भारत माता की जय सर डिक्लेरेशन बाय दी ओनर इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स सर जब अपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा डॉक्यूमेंट फाइल करेगा और साथ में सर मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट अच करता है रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स याद है बेटा और बिल ऑफ एंट्री में वो डिक्लेरेशन देगा कि जो वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर बिल्कुल सही है सर करेक्ट वैल्यू साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करेगा हा है ना भाई प्लस रूल नंबर ट्वेल्व बोलता है रिजेक्शन ऑफ द डिक्लेयर्ड वैल्यू मैं नहीं मानता सर प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो सर आपने जो वैल्यू डिक्लेयर कर उसको रिजेक्ट रिजे कर सकता है बट वो रिजेक्ट कब कर करेगा अगर उसको डाउट है फॉर्मेशन तो वगैरह मंगा सकता है आपसे एविडेंस मंगा सकता है फर्दर इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो कंसिडर करेगा वैल्यू सही है कि नहीं पर उसको लगता है मामला गड़बड़ है तो ऐसे कि इसमेंट द वैल्यू बट बार रिजेक्टिंग द वैल्यू ही गिव यू अपड बायूर नोटिस टू रिजेक्ट द वैल्यू बेटा हा है ना भाई और उसके बाद वो वैल्यू रिजेक्ट करके इस प्रोलम टू नाइन वैल्यू निकाल सकता है जो हमने पढ़ी बेटा

क्लियर और अगर आपने वेर हाउस में रखवाया था गुड स्को वेर हाउस तो एक्स बॉन्ड बिलो एवेंटी फोर होम कंजम्पशन क्योंकि उसमें एंट्री नंबर तो पहले ही मिल गया होगा सेकंड थिंग रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा सीबीआईसी वाला जिस दिन फर्स्ट बिलो एंट्री फाइल करी भले वेर हाउसिंग वाली थी या होम कंजम्पशन वाली थी भली एडवांस में थी लेट थी कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट बिलोव एंट्री जब फाइल करी उस दिन रेट ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा ठीक है अब एक्सपोर्ट केस में जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन वन द इजन डेट अंडर सेक्शन फिफ्टी वन दट इज अलेवन डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी बेटा एंड सर रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीएसई वाला जिस हमने शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया उस दिन का बेटा आइए सर हाईसी सेल सबसे पहली बात अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया सर और गुड्स इंडिया में आने से पहले ही आपने किसी को बेच दिया वैल्यू गुड्स वर इन हाई सी एरिया बियॉन्ड इंडियन टेडल वाटर इज कॉल्ड हाई सी तो सर ऐसे केस में लास्ट हाई सी सेल जो होगा दैट इज द वैल्यू रेलेवेंट फॉर द दर्पज ऑफ असेसमेंट क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स इज रेलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन टू इंडिया इंपोर्ट बिगे गुड्स एंटर द इंडियन टेडल वाटर्स इसलिए लास्ट हाई सी सेल जो होता इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम ड्यूटी क्लियर और उसी पर कस्टम लगेगा और सर वो कस्टम अमाउंट एड करने के बाद फिर थ्री सेवन थी नाइन लगता है बच्चों

सर मैं बता रहा हूं थ्री सेवन के लिए जो आई के लिए मेरे लेते हैं वही जीएसटी सेस के लिए लेते हैं बेटा तो सर सेक्शन नंबर थ्री

एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं बच्चों में एग्जाम में गलती होती है सर इंपोर्ट के केस में सीआईएफ इज द वैल्यू असेसेबल वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट पर सरकार एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो इंडियन पोर्ट तक के कॉस्ट को बोलते हैं क्या एफओबी इसलिए एफओबी क्या होता है असेसेबल वैल्यू इन केस ऑफ एक्सपोर्ट उसमें सीआईएफ मत निकाल देना बच्चों तो सर

जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट करी है वो गुड्स का वैल्यू अगर अगरबल नहीं है तो सही नहीं है एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऐसे केस में गुड्स ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी अगर आपने किसी ने एक्सपोर्ट करी है पर ध्यान देना बेटा यहां पर मैन्युफैक्चर भले आप हो या कोई और हो चलेगा बट कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम वो वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड फॉर द दर्पज ऑफ असेसमेंट पर सर गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का जो वैल्यू देख रहे हो वो भी अगेन सर सेम का कमस्ट लेवल और सब्सेंशली सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए पर अगर देर इज अ डिफरेंस इन द क्वांटिटी या टाइमिंग या गुड्स के कम्पोजिशन में फर्क है आज मंगल सी क्वालिटी में दूसरी क्वालिटी में कोई फर्क है तो सर रीजनेबल एडजस्टमेंट शेल ऑलवेज भी अलाउड फॉर सच डिफरेंस पर अगर उसे भी वैल्यू नहीं आएगा तो जैसे कि रूल ऑफ फाइव बोलता है क्या कंप्यूटेड वैल्यू मेथड मतलब वो जो एक्सपोर्टर है वो अपना कॉस्ट ब्रेकअप अपना मतलब उस गुड्स का कॉस्ट ब्रेकअप लेके आएगा अलॉन्ग सपोर्टिंग उन सबको किया जाएगा प्लस सर एवरी कॉस्ट अप टू द इंडियन मतलब एफओबी जो भी कॉस्ट आनी है वो सब एड करेंगे टू अराइव द असेस वैल्यू और उस कस्टम लगाएंगे क्लियर उसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह एड करने के बाद जो वैल्यू आएगी द वैल्यू फिर उससे वैल्यू नहीं है, तो बोलता है क्या मेथड बता सर मतलब बेस्ट जजमेंट मेथड ऐसे केस में प्रॉपर अपना बेस्ट जजमेंट यूज करेगा अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड प्रिवलिंग मार्केट कंडीशन को देखते हुए बेस्ट जजमेंट यूज करके वैल्यू निकालेगा और दैट विल द वैल्यू फॉर द दर्पज ऑफ असेसमेंट रोल नंबर सेवन डिक्लेन बाई द एक्सपोर्टर इन द शिपिंग बिल एंड

अब मान लो क्या हुआ गिरा इंटरप्राइज केस में एक्सपोर्ट किसी पर्सन ने गिरा इंटरप्राइज ने गुड्स इंपोर्ट किया इंपोर्ट पर्सन ने वैल्यू डिक्लेयर उसको रिजेक्ट करता है अब रिजेक्ट करने का बेसिस क्या दिया किसी वेबसाइट पर उसका प्राइस कुछ और था प्राइस हायर था उसके वो वेबसाइट के प्रिंट आउट लेके आ गया सर मेयरली कंप्यूटर प्रिंट आउट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस कि सर वो आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू है वो हायर प्राइस था और आपने एक्चुअली इंपोर्ट जो किया वो कम प्राइस पे किया इसलिए डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया डिपार्टमेंट इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया डिपार्टमेंट की अपील और बोल दिया क्या आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी वो सही नहीं है असल करेक्ट उसने जो इंपोर्ट किया वो सही वैल्यू थी क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रॉपर ट्रांजेक्शन के एविडेंस डॉक्यूमेंट्री डिपार्टमेंट लेके नहीं आ पाया इसलिए इस जजमेंट से पता पड़ता है क्या बर्डन टू प्रूव इज द डिपार्टमेंट की सर जो असिस्ट वैल्यू डिक्लेयर करी वो सही नहीं है डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाने पड़ेंगे यहां पर केवल एक कंप्यूटर प्रिंट आउट से सर ये नहीं पता पड़ेगा कि ये वैल्यू सही है कि नहीं है इसलिए डिपार्टमेंट हैव टू प्रूव डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कोई ट्रांजेक्शन अगर है आइडेंटिकल गुड्स के या सिमिलर गुड्स के जो बहुत हायर प्राइस पे और इसकी प्राइस बहुत कम है तो फिर भी एक बेसिस बन सकता है बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी सर्च ट्रांजेक्शन डिपार्टमेंट कैनोट कंटेंट की वैल्यू सही नहीं है जो डिक्लेयर करी वो इसलिए बटन प्रूफ की वैल्यू सही नहीं है इट्स ऑन डिपार्टमेंट आइए सर अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बड़ा सुंदर केस लगता है मेरे को इस पे आगे सर एक बोलता है क्या मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट आपने किया वन करोड़ का आ, टेन लाख का चलो दस लाख आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर सर वो जो एक्सपोर्टर था वो गुड्स को इंडिया में भेजने में लेट हो गया दो महीने लेट होने की वजह से इंडिया में उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई मार्केट कंडीशन चेंज हो गई और सर उसका प्राइस बढ़ गया अब सर दो महीने लेट करने की वजह से इन गुड्स का मार्केट वैल्यू हो गया कितना ट्वेंटी लाख रुपये सपोज पर

कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हुआ और चेंज प्राइस या रिवाइज प्राइस होगी कितनी 15 लैक्स तो बताओ किस पे कस्टम लगेगा तो 15 लेख पे कस्टम लगेगा क्योंकि दिस इज द एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑन विच कस्टम इज ऑन विच ट्रांजेक्शन टू प्लेस तो 15 लाख पे कस्टम चार्ज होगा बेटा हाँ है ना भाई आइए सर हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में जजमेंट आया बेटा कि अगर आपने कोई इंपोर्ट किया और आपके बीच में क्या होता था बेटा एजेंट था एजेंट तो ने जो भी वो सब भी ऐड होगा उसको भी कस्टम चार्ज होगा मान लो मैंने इम्पोर्ट किया मैं हूं कौन कैनलाइजिंग एजेंट और मैंने आपको बेचा तो जिस प्राइसिंग एजेंटाज एक्सेप्टेड फॉर दर्पज ऑफ असमेंट देखिए सिंस दिंग एजेंट इज नॉट द एजेंट ऑफ द इमोटर नोर डज ही रिप्रेजेंट द इम्पोर्टर agency from foreign seller and subsequent sale by it to the Indian importer are independent of each other. सर्विस चार्जेस पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट कैन नॉट टर्म्ड को बाइंग कमीशन नहीं मान सकते और ऐसे केस में द कमीशन और सर्विस चार्जेस पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट आर इंक्लूडेबल इन दसेसबल वैल्यू आइए बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग केस में जजमेंट किया है बेटा कि सर आपने सर कोई भी मेरे को एक बार देखो हाँ सर अगर इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन आपने आ, कोई गुड्स लो आप इंपोर्ट कर रहे हो बेटा कोई मशीन इंपोर्ट कर रहे हो अब उसको इंपोर्ट करने के बाद आपने अगर यहां पे लाके देखा तो पता पड़ा गुड्स तो सही थे ही नहीं इसलिए आपने क्या किया आउट ऑफ इंडिया में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपॉइंट करी जो क्या करेगा इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करेगा और उसके लिए चार्जेस चार्ज करेगा पर सर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना कोई कंपल्सन नहीं है एक्सपोर्टर वॉज नॉट बाउंड अब इंपोर्टर ने क्या किया अपने ही बिहाफ पर खुद नहीं इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन एजेंसी को ओपन करके इंस्पेक्शन कराया तो यहां पर जजमेंट ये बोलता है क्या इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन पार्टी को जो आपने इंस्पेक्शन चार्जेस पे किए फॉर बिफोर द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि दोज वर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको दोज एक्सपेंसिस नॉट टू दोज वर नॉट रिक्वयर टू इंपोर्ट द गुड्स इसलिए उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे

एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डिंग होना चाहिए तब जाके कंट्रोलिंग मानी जाती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहे हो तो कंट्रोलिंग मानी जाती है अदरवाइज़ एक क्वेश्चन आया था एक्चुअली बुक के अंदर सर जिसमें थर्टी परसेंट शेयर थे ए के पास बी के ए लिमिटेड इज होल्डिंग थर्टी परसेंट ऑफ बी लिमिटेड दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं कहलाएंगे मियरली थर्टी परसेंट होल्डिंग की वजह से क्योंकि इक्विटी होल्डिंग चाहिए क्लियर सर और रिलेटेड पर्सन अगर नहीं होंगे तो रिलेटिव वाला प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा इसी के साथ भारत माता की जय और इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है अब ये पूरा चैप्टर वैल्यूशन खत्म होता है अब और आपके एक छोटा सा मैसेज लिखा है इट्स ऑनली इम्पॉसिबल अनटिल डन मतलब हर एक चीज़ वो पॉसिबल है जो आप करना चाहते हो सर पर आपको पूरा डिटर्मिनेशन चाहिएगा पूरी ताकत आपको लगानी पड़ेगी सर हंड्रेड परसेंट सफलता आपको मिलेगी बस पॉजिटिव एनर्जी लगाते देना एंड वी ऑल आर विद यू सर हमारी सारी दुआएं आपके लिए हमारी सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए है वी आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस पर सर देना बेटा ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर एंड दिस इज द टाइम प्रूव योर सेल्फ पूरा दम लगा दो पूरी मेहनत कर दो माहौल बनने वाला शानदार वाला वी आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस ऑल द बेस्ट गाइज मस्त होके बड़े खुश हो बड़े विच इज मॉर इंपोर्टेंट लव योर लॉट टेक केयर बबाई